एक अर्तनेक, जो समझ जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। सुप्रभात, मैं हूँ आरजे श्रेया और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो ऑरा। नमस्कार, मैं जीशान हूँ और मैं ओरा समाचार में आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य समाचार, ओरा ग्लोबल स्कूल्स के छात्रों ने 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया। नारियल के विभिन्न भागों से बने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई। नवीं कक्षा के छात्रों के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम के साथ 6 सितंबर को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व छात्रों ने शिक्षकों को बधाई देने के लिए आए थे। शिक्षकों के साथ छात्रों ने अपना अनुभव साझा किया। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया था। 10वीं कक्षा की PA2 परीक्षा की शुरुआत हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि घोषित 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। कोडिंग क्लब का उद्घाटन सितंबर में होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आज की विशेषता क्या है? आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। रिदम आनंद ले। रिदम के चौथे खंड में आपका स्वागत है। आज की रिदम प्रोग्राम में आरजे मेहरिन और आरजे शजा सुलेख के महत्व के बारे में की गई बातचीत सुनिए। हाय मेहरिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शजा, क्या तुम सुलेख लिखी? नहीं। सुलेख क्या होता है? जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है, और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? सुंदर लिखावट के कई लाभ है। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी। सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? सुलेख के कुछ नियम हैं, जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। रिदम कार्यक्रम में अब तक आपने जो सुना है वह मेहरिन और शेजा द्वारा प्रस्तुत किए बातचीत है। अब दया जय कृष्णन द्वारा हिंदी भाषा के बारे में गाया गीत सुनिए। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमे, जन जन के मन यही रमे। मृदुल प्रतीक संकेत बरी, मन बावन पावन प्रीति बरी। भारत के अक्षर एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। न स्वतंत्रे वक्तृत्य भारत की भी श्रद्धांजलि। करो आह्वान विश्व करो स्वागत, है बयान हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो, है विकास की दिशा मिले। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। जो गीत आपने अब तक सुना है वह दया जयकृष्णन ने गाया गया गीत है। रिदम मुझे आशा है कि आप सभी ने आज के कार्यक्रमों का आनंद लिया होगा। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखक की अभिमान है हिंदी भाषा। भाषाओं के शीर पर है बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। अगली बार मनपसंद कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अलविदा।